टूडे वी विल स्टडी अबाउट दी एन जंक्शन डायूड इन द लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउटी वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ दंडक्शन डायउड आज के क्लास में हमको क्या पढ़ना है वॉट इज पी एन जंक्शन डायउड हाउ इट इज मेड हाउ इज अंक्शन फॉर्म ठीक है डिफ्यूजन करंट क्या है ड्रिफ्ट करंट क्या है डिप्लीशन करंट क्या है बैरियर वोल्टेज क्या है ऑल दैट ठीक है और आपको यह भी समझना है कि एक्सटर्नल सर्किट में हम आते हैं तो एक्सटर्नल सर्किट में आने के बाद हम एक पी एन जंक्शन डायोड को किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं इसमें फॉरवर्ड बयासिंग क्या होती है इसमें रिवर्स बयासिंग क्या होती है एंड आफ्टर स्टडिंग दिस वी विल आल्सो स्टडी अबाउट व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस डायोड राइट नाउ ऑल दिस वी विल बी स्टडी in this class right okay so clear what we are going to study today so today is the third class of the electronics and semiconductors and today we are going to study about the resistivity conductivity of the semiconductors first because in order to learn about more about the pn junction diode and all you should know about the resistivity and the conductivity of the semiconductor now we will go back कहा वापस अपने कंडक्टर वाले इसमें और इसमें हम देखेंगे कि भाई कि ये जो रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी कंडक्शन जब हम कुछ टर्म्स कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने क्या क्या देखा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने देखा आई इज इक्वल टू एनी वेर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जे इट इज इक्वल टू एनी विज एक्चुअली द करंट डेंसिटी द करंट डेंसिटी इट इज इक्वल टू जे एंड इज जे जे इट इज इक्वल टू एक्चुअली इट इज द करंट पर यूनिट एरिया इट इज अक्टो क्वांटिटी राइट सो दिस इज वॉट वी स्टडीड राइट सो जे के बारे में हमने पढ़ा था जे इज अ वेक्टो क्वांटिटी ना आई divided by the area vector area se divide kar though j is equal to ne into vd where vd is the drift velocity a is the area of the cross section of the y-o drift velocity is also equal to mu into e what is mu mu is equal to we know it is equal to the uh, drift velocity divided by द इलेक्ट्रिकल फील्ड ये सब फॉर्मुला हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हैं सो वी नो दैट जे इज इक्वल टू सिग्मा ई द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ सिग्मा कितने के बराबर होता है सिग्मा इज इक्वल टू एन इंटू इन म्यू इज द मोबिलिटी मोबिलिटी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना ये सब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा ठीक है तो ये टर्म्स हमको सबको मालूम है हमने रिवाइज करवा दिया इसको अब आते हैं हम लोग कंडक्शंस इन द सेमीकंडक्टर्स पर तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होता है पी टाइप होता है एन टाइप होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हमने कल पढ़ा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स आर इक्वल अगर हमने एक पी टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर को लिया तो नंबर ऑफ होल्स इज वेरी वेरी लार्ज अस कंपेयर टू दैट ऑफ The electron number of electrons in the n type of the semiconductor, the number of electrons is very large as compared to that of the number of holes. Okay. Now, if it is a intrinsic semiconductor, P type or a n type of the semiconductor, and all this, what we have here is that K sigma is equal to one upon rho, and that is equal to NE. हाँ, में क्या होगा द द द ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट ऑफ ऑफ प्लस होल्स बेटा ठीक है करंट डेंसिटी अगर पी टाइप में बात करें तो हमारे पास मेनली जो करंट होता है वो होल्स की वजह से होता है सो करंट डेंसिटी कितने के अप्रोक्सिमेट होगा ई इंटू एन एच इंटू बी एच राइट अब एन टाइप की सेमी कंडक्टर्स पे आ जाइए तो वहां पर करंट डेंसिटी कितना होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ई n e into ve that is the drift of velocity of the electrons into number of electrons because n type of the semiconductors we have seen in the class that the number of electrons is very very large as compared to that of the number of holes okay now whenever we talk about the conductivity now so the conductivity is equal to 1 upon rho that is equal to e. e is the electronic charge and is the number of electrons per unit volume that is the mobility of the electrons plus the mobility of the holes, right? Now, in the case of the p type of the semiconductor, whenever we talk about the conductivity of the p type of the semiconductor, in that case, what we have here is the E into n h into mu e. और अगर जब n टाइप की बात करोगे तो पर एंड इक्वल टू इक्वल टू एन टू एन e राइट e e, right? ये तीनों चीज के के लिए होती है बारे में हमने जान लिया ठीक है और हमको एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपको जानना जरूरी होती है कि इम्प्योरिटी की वजह से कंडक्टिविटी टेन टू दी पावर ऑफ थ्री टाइम्स बढ़ जाता है ये भी मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था आज मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ Care. Now, if you want to talk about the sigma of the uh, semiconductors, it will be equal to sigma e into uh, sigma of the electrons, i.e. Yani conductivity of the electrons plus conductivity of the holes. So, any is equal to. इंटू मू प्लस एन एच इंटू इंटू म्यू एच राइट तो यहां पर जो कंडक्टिविटी होगी रेजिस्टिविटी होगी जो भी होगा वो होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से होगा पी टाइप में सिर्फ होल्स की वजह से होगा और एन टाइप में सिर्फ अप्रोक्सिमेटली मतलब होगा थोड़ा बहुत हाँ इलेक्ट्रॉन्स भी होगा पी टाइप में और थोड़ा बहुत होल्स भी होगा एन टाइप में बट मेजोरिटी जो कैरियर्स होते हैं उसमें एन टाइप में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी टाइप में इट इज द होल्स ओके याद आ गया बच्चों पीएन जंक्शन डायोड्स आर मेड बाय अलॉय मेथड बहुत सारे मेथड्स में से एक मेथड है आपके पास मेथड। मेथड में क्या करते हैं जो भी हमारे की और की जो थी न, आ, में आप जानोगे एंडियम एल्यूमियम वगैरह और एन टाइप में आप फॉस्फरस या कोई और चीज डाल देंगे उसका एलोय बनाएंगे है ना? उस मेथड से हम पीएन जंक्शन डायोड्स बनाते थे बहुत पुराना मेथड है अब इसके बाद आपके पास आ गया उसके बाद एलॉय जंक्शन मेथड ठीक है नाउ अब क्या करते हैं हमारे पास पहले हम एक ले लेंगे इस मेथड में और इसके ऊपर कोई को रख देंगे कौन सी इंप्योरिटी जैसे इसको पी टाइप बनाना है और इसको आपको एन टाइप बनाना है तो पी टाइप के ऊपर आप जो पी टाइप की इंप्योरिटी को रख देंगे और एन टाइप में एन टाइप की इंप्योरिटी को रख देंगे और उसके बाद दोनों को मेल्ट करेंगे तो ये अलॉय जंक्शन बनता है ठीक है लेकिन आजकल जो मेथड यूज होता है दैट मेथड इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन जंक्शन डिफ्यूजन जंक्शन में क्या होता है हमारे पास एक सभी कंडक्टर्स लेते हैं और इधर डिफ्यूजन करते हैं पी टाइप के मटेरियल्स का और इधर जब हम डिफ्यूजन करते हैं यहां पर आपको एन टाइप ऑफ मटेरियल्स का डिफ्यूजन करते हैं ठीक है अब pn जंक्शन डायोड बन गया तो अब उसके बाद क्या होता है लेट अस सी दैट pn जंक्शन डायोड जब बन जाता है आपने डिफ्यूजन मेथड कोई भी मेथड आपने उससे बना लिया बना लेने के बाद उसके अंदर मॉलिक्यूल्स का क्या होता है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स पड़े हैं उस मॉलिक्यूल्स का आपके पास में क्या होता है उसको अपन को देखना है चलिए अपन देखते हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन हम किस प्रकार से लेते हैं ठीक है पीएन जंक्शन डायोड जगह मुझे ज्यादा चाहिए चलिए ज्यादा जगह ले लेते हैं मैं यहां पर रेक्टेंगुलर पी जंक्शन लेती हूँ ठीक है जरूरी नहीं है वो कोई भी शेप का होता तो है ठीक है पी एन जंक्शन के इस पर्टिकुलर हमारे पास जो पी एन जंक्शन है इसको मैंने दो भागों में बांट लिया और दो भागों में बांट लेने के बाद आप इस साइड का डोपिंग क्या किए थे आपने इसमें इस, इस साइड में पूरा आपने पी टाइप की डोपिंग कर डाली थी पी टाइप की डोपिंग को मैं रेड कलर का ले रही हूँ इसमें होल्स हैं हम्म और आपके पास इस अलग साइड में जो इस साइड वाली जो डोपिंग है ना इसमें आपने इलेक्ट्रॉन्स की डोपिंग एन टाइप ऑफ डोपिंग कर ली मतलब आपने पिंटा डोपिंग कर ली और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे ठीक है अच्छा तो हमने लिख लिया ये मेरा पी साइड और ये मेरा एन साइड ठीक है अब क्या होगा क्या ऐसे ही रहेगा नहीं रे बाबा यहां पर आप देख रहे हो कॉन्ट्रेशन ऑफ होल्स बहुत ज्यादा है साइड में आप देखोगे द ऑफ होल्स इज लार्ज यहां पर परेशन ऑफ होल्स इज लार्ज एंड यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लार्ज देखिए जब भी कॉन्सेंट्रेशन किसी भी चीज का अगर किसी तरफ ज्यादा रहेगा ना तो ये एक नहीं है बेटा अब क्या होगा यहां पर जो होल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो यहां जो होल्स है ना अपने आप वो एन साइड में जाने की कोशिश करेंगे है ना डिफ्यूज होंगे इस जंक्शन को पार करके वो जाना चाहेंगे कहां पर वो जाएंगे आपके जो एन साइड में जाना पसंद करेंगे ठीक है जाने दो उनको कोई दिक्कत नहीं है बोले एक दो यहाँ पर पहुंच गए बहुत सारे यहां पर पहुंच जाएंगे अब इलेक्ट्रॉन्स भी तो देखेंगे जो पी साइड में उनके पास में किस चीज की कमी है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने की वजह से आप क्या देख रहे हो इलेक्ट्रॉन्स गए इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स के आपके इस तरफ और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ आपको जो इलेक्ट्रॉन्स कुछ आ जाते हैं ताकि कंसंट्रेशन बराबर ये प्रोसेस चलता रहता है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं डिफ्यूजन कहते हैं है ना इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज द इस प्रोसेस में हम क्या कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज द नाउ क्या हो रहा है कि देखो इस पी साइड पे आपने देखा कि पी का होल्स बहुत ज्यादा है और यहां पर आपके पास आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है तो नेचुरली होल्स का मतलब पॉजिटिव चार्ज जैसे होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है उसे हम होल्स कहते हैं ठीक है ठीके? तो ये क्या करेंगे होल्स यहां पर ज्यादा है यहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो होल्स सारे भागेंगे एन की तरफ और इलेक्ट्रॉन सारा भागेगा किसकी तरफ पी तरफ ताकि उन लोग सोचते हैं कैसे भी करो आप इसके कंसंट्रेशन को बराबर कर दो ये सोचते हुए ये ये करते हुए ये लोग दोनों एक दूसरे के तरफ चले जाते हैं लेकिन उसी समय क्या होता है उसी समय देखिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब दौड़ दौड़ के इस तरफ जाते हैं पी टाइप में और ये जो जा रहा है दैट इज एन टाइप में जा रहा है तो उस समय में क्या होता है यहां एक मिनट यहां जैसे कॉन्सेंट्रेट बढ़ते जाएगा तो कुछ समय के बाद क्या होगा कुछ समय के बाद जैसे जैसे होल्स यहां चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स यहां यहां आ जाएंगे तो धीरे 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 ऐसा कुछ होगा कि इलेक्ट्रॉन्स आए और यहां आते चले इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आते चले गए कुछ समय के बाद वही चीज होता है इस साइड में भी एन साइड में भी यहां कौन आके बैठ रहा है यहां कौन आ जा रहा है इस तरफ होल्स आ जा रहे हैं। इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं तो बेटा यहां पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं मतलब आके बैठ भी गए हैं आयंस नहीं मूव होंगे इट इज ओनली द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो मूव होते हैं ठीक है जिनकी मोबिलिटी ज्यादा होती है जो होते हैं इसके अंदर में वो मूव नहीं होते क्योंकि वो बहुत भारी होते हैं ठीक है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट हो रहा है धीरे 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 कुछ ऐसा हो रहा है कि यहां पर होल्स आके बैठ जा रहे हैं किसके पास ये जो आपका जंक्शन है ना जंक्शन मतलब जहां दोनों जुड़ रहा है वहां दोनों के बीच में होल्स यहां आके जमा हो गए और यहां पर आपके पास उसको थोड़ा सा बड़ा दिखाया मैं ताकि आपको समझ में आए कि वो अलग है वो आए थे यहां से वो लोग आके बैठ गए अब अगला ये जो इलेक्ट्रॉन है हाँ, वो बोलता है भैया मैं भी जाऊंगा वहां पर भीट्रेशन का मैं ना वहां पर जाऊंगा ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना इसको आने नहीं देंगे ये जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है ना इसको फाइटिंग करनी पड़ेगी इन लोगों से हम्म तो यहां पर आप देख रहे हो यहां पर एक

बहुत मुश्किल होता चला जाएगा वही चीज होल्स के साथ में भी होता है होल्स कहाँ आ रहे हैं एंड साइड में आएंगे बोलते हैं है ना लेकिन पहले पहले जो आ गए थे पहले पहले जो भी पहुंच गए थे किस साइड में एंड साइड में वो जाके वहां पर जमा हो गए वो अंदर और आने वाले होल्स को रोकेंगे तो हम थोड़े समय के बाद जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाती है तो उस समय में हम क्या देखते हैं शुरू शुरू में होल्स यहां जा रहे इलेक्ट्रॉन यहां आ रहे धीरे 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 यहां पर पूरा एक गेट जैसा प्रोड्यूस हो गया जो ये गेट जो बन गया बैरियर लग गया यहां क्या बन गया एक गेट बन गया बैरियर लग गया अंदर नहीं आने दे रहे इलेक्ट्रॉन्स को और और होल्स को अंदर आने नहीं दे रहे बोले अब भीड़ जमा हो गई अब नहीं तो ये जो सारे पॉजिटिव जो यहां पर जमा हो गए वो सब हायर पोटेंशियल पर चले जाएंगे क्या हो जाएंगे ये हायर पोटेंशियल पर चले जाएंगे और ये पूरा कहा चला जाएगा ये पूरा जो चला जाएगा दिस विल गो एट लोअर पोटेंशियल तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है अभी हमने एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट किया ही नहीं है विदाउट अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस यहां इन दोनों के बीच में जंक्शन पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ठीक है अब ये कैसे दिखेगा चलो देखते हैं इसको हम जस्ट एक ऐसा हो जाएगा मैं ये एक ही चीज है इसको मैं आगे बताती चली जा रही हूं यहां क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स आ गए जमा हो गए तो यहां एक रीजन जंक्शन के पास जमा हो जाएगा यहाँ एक खास बात आ जाएगी मैं इसको और ड्रॉ कर रही हूँ आपके लिए ये समझना आप दोनों के बीच में एक जंक्शन तो था ही ना बेटा देखो ये आपके पास में ये जंक्शन जंक्शन था इस पे आपने क्या देखा पर होल्स आके एक्स्ट्रा जमा हो गए और यहां पर क्या की जमा यहां पर आके जमा हो गए आप बोल रहे हो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आके जमा हो गए कुछ पहुंच गए होंगे कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी हैं अपने पास ऑलरेडी है ना कुछ कुछ तो होल्स यहां पर पहुंच भी गए होंगे लेकिन मैक्सिमम जमा होंगे? मैक्सिमम यहाँ पर जमा होंगे। हमने कहा चलो भाई पोटेंशियल बैरियर भी क्रिएट हो गया इसके अंदर पोटेंशियल बैरियर मतलब एक गेट पैदा हो गया और आगे के इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को और आगे हम नहीं देंगे ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल देखो यहाँ पर हम करंट नहीं फ्लो करवा सकते लेकिन हाँ दिस पॉइंट विल बी एट द हायर पोटेंशियल एंड दिस पॉइंट विल बी एट द लोअर पोटेंशियल अब मान लो ये जो रीजन बन रहा है इसको मैं ग्रे कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली exactly मैं क्या बोलना चाह रही हूँ एक सेकेंड राइट right? एक सेकेंड यहाँ पर आपने इस हाइलाइटर को हाईलाइट कर दिया ये जो दोनों पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर बन रहे हैं इन दोनों के बीच में एक खाली जगह बन जाएगी है ना देखो कुछ तो डिफ्यूज हुए अभी मैंने सिर्फ किसकी बात करी डिफ्यूजन की बात करी व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ दिस पीएन जंक्शन डायोड रूम टेम्परेचर जो कुछ भी हो रहा है वो हम करीब रूम टेंपरेचर में इसको काम करवा रहे हैं ठीक है अब इसको क्या किया हमने ये जो रीजन मेरा बना ये जो प्लस वाला और ये माइनस रेड वाला पूरा प्लस और ग्रीन वाला पूरा हमारा माइनस ठीक है अब इसके अंदर जो बन गया मेरे पास देखो इसको मैं येलो में दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दिख जाए कि क्या हो रहा है यहाँ पर ये देखो ये ग्रीन वाला हम्म इन दोनों के बीच का जगह इस जगह पर क्या होता है जरा सोच के देखो हम्म आंखें बंद करके सोचना ज्यादा मजा आएगा क्या ये रूम टेम्परेचर पर है तो अभी भी इलेक्ट्रॉन्स के okay, बॉन्ड्स और टूट रहे कि नहीं टूट रहे? बॉन्ड बॉन्ड ना? टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक मिलेगा और एक होल मिलेगा बॉन्ड टूटा और अगर बॉन्ड टूटा बॉन्ड के टूटने पर एक इलेक्ट्रॉन और साथ में एक होल्स मिलता है है ना यस या यहां देखिएगा इस बैरियर वाली जगह पर इसका थिकनेस बहुत बहुत कम होता है कितना होता है टेन टू दावर ऑफ माइनस सिक्स मीटर के आसपास और जो बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना सिलिकॉन का पॉइंट सेवन वोल्ट है जर्बेनियम का पॉइंट थ्री वोल्ट है अब मुझे इधर का इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में पता करना है इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा तो हमने कहा इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन डिवाइडेड बाई टेन टू दावर ऑफ माइनस सिक्स बेटा इसको लिखो तो 10 10 कितना मिला ये जो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड छोटे से रीजन में मिलेगा वन माइक्रोमीटर बहुत छोटा सा जगह और जब इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करूं बहुत बहुत ज्यादा अब बॉन्ड टूटा इधर भी बॉन्ड टूटा इधर भी बॉन्ड टूटा लेकिन अगर यहां टूटा यहां पर बॉन्ड टूटा तो क्या होगा यहां पर जब बॉन्ड टूटेगा तो हमें पता है कि एक होल निकला एक इलेक्ट्रॉन निकला हाई फील्ड इतना ज्यादा फील्ड क्या होगा जो होल है ना होल इस साइड भागेगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव साइड भागेगा तो इधर कोई डिप्लीशन रीजन में कोई चार्ज पार्टिकल का होने की संभावना खत्म आर यू एबल टू सी दिस जो होल्स निकलेंगे पॉजिटिव वैल्यू होते हैं होल्स कहां भागेगा तो बोले नेगेटिव साइड है ना और इलेक्ट्रॉन्स कहां भागेगा तो इलेक्ट्रॉन्स कहां भागा तो इलेक्ट्रॉन्स आपका पॉजिटिव साइड में भागेगा और ये जो डिप्लीशन रीजन बनेगा इस रीजन को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज द डिप्लीशन रीजन और डिप्लीशन रीजन में इसकी जो साइज बहुत छोटी इलेक्ट्रिकल फील्ड बहुत हाई और जिसके वजह से इस डिप्लीशन रीजन के अंदर में कोई भी इस डिप्लीश रीजन के अंदर में देर इज नो चार्ज दिस डिप्लीशन रीजन इज डिवॉइड ऑफ द चार्ज राइट दिस Depletion region is रीजन ऑफ द चार्ज इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता इसीलिए इसका नाम है depletion रीजन ठीक है के बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी हो गई जो हमारी बैरियर्स है उसके बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी हो गई तो हम बोलेंगे बहुत हाई होता है चलो सिलिकॉन के लिए पहले निकाल लो इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी है पॉइंट सेवन डिवाइडेड बाई टेन टू दवर ऑफ सिक्स So, दोनों को जब कैलकुलेट किया तो आपके पास एक वेरी वेरी हाई फील्ड क्रिएट होकर के आ गई सेवन इंटू टेन टू पावर ऑफ फाइव मीटर दिस इज वेरी 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 हाई फील्ड है ना इतना हाई फील्ड यहां पर आ गया किसके बीच में ये जो जंक्शन बना है उस जंक्शन के दोनों साइड में जहां पॉजिटिव और नेगेटिव लगे ना उसके दोनों के बीच में आपके पास में हाई फील्ड आ गई अब ये हाई फील्ड आ गई तो होगा क्या देखो टेम्परेचर तो रूम टेम्परेचर के आसपास रखा हुआ है इसकी पूरी की जो टेम्परेचर है करीब करीब हमने रूम टेम्परेचर पर आसपास रखा हुआ है तो रूम टेम्परेचर पे रखे हुए इसमें क्या होगा इसमें इतनी हाई फील्ड हाँ तो क्या यहाँ पर इस एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स का और जो बॉन्ड्स है ना कोवैलेंट बॉन्ड से बने होते हैं सिलिकॉन्स है ना तो क्या इसका बॉन्ड टूटेगा तो हाँ भाई जीरो केल्विन के बाद तो पी जंक्शन में हो एन जंक्शन में हो या फिर प्योर सेमीकंडक्टर्स पे हो हर किसी में आप देखोगे कि वहां पर बॉन्ड टूटता है बॉन्ड टूटेगा, यहां तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या बढ़ जाएगी लेकिन डिप्लीशन रीजन में क्या होगा चलिए मैं इस डिप्लीशन रीजन को अलग से बना लेती हूँ और आपसे पूछती हूं कि इस डिप्लेशन रीजन में ये जो रीजन है दिस इज डिप्लीशन रीजन राइट जिसकी थिकनेस मैंने छोटा सा रखा टेन टू दावर ऑफ सिक्स और आपने क्या किया था यहां पर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था यहां पर पॉजिटिव आयन्स आके जमा हो गए और यहां पर आप देख रहे हो तो यहां पर आपके नेगेटिव आयन्स आकर के जमा हो गए ठीक है यहां पॉजिटिव आ गए यहां पर नेगेटिव आया और यहां बॉन्ड टूटा बॉन्ड जब भी टूटता है बॉन्ड कोई भी जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट वैलेट बॉन्ड या कोई भी को सॉरी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोल रही हो को बॉन्ड जब टूटेगा तो हमको मिलेगा एक होल और हमको मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन तो आपको जैसे कि पता है ना कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स में चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव होती है तो जैसे बॉन्ड टूटा इस डिप्लेशन रीजन में तो दौड़ के जो होल्स है वो कहा जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स कहा जाएगा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव साइड भाग जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन्स है जो होल्स है वो नेगेटिव साइड में चले आएंगे यहां से ये भागा यहां से यह भागा एक्चुअल भागना होता है उनका? उनको डिफ्यूज होना था यहां पर टेम्परेचर के ज्यादा होने की वजह से कोवैलेंट बॉन्ड टूटा और टूटने के बाद क्या हुआ कि जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स था वो भागा किसकी तरफ पॉजिटिव ये जो इसके अंदर जो डिप्लीशन रीजन में हमारा जो पॉजिटिव एंड यहां पर जो पॉजिटिव होल्स जमा हो गए उसकी तरफ भागा और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी तरफ भागा वो नेगेटिव साइड की तरफ भाग गया और इसी तरह से हमारा पीएन जंक्शन डायोड बनता है ठीक है एक जो ट्रांसफर हो रहा है चार्जेस का दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन और यहां दूसरा जो पैदा हुआ वो बॉन्ड के टूटने की वजह से पैदा हुआ है ठीक है तो आपके पास एक जब हमारे पास ये जो डिफ्यूज होकर के जो करंट फ्लो हो रहे थे ये डिफ्यूज होकर के जो भी करंट हमारे फ्लो हो रहे थे इसको हम कह रहे थे डिफ्यूजन करंट व्हाट इज डिफ्यूजन करंट द करंट विच फ्लूज दैट मींस द एक मिनट द फ्लो ऑफ चार्जेस ड्यू टू डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट चलो डिफ्यूजन करंट के बारे में बताओ होल्स कहां जाएगा होल्स विल गो टूवर्ड्स कहा जाएगा एंड साइड एंड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहा जाएंगे दैट विल गो टूवर्ड्स द पी साइड तो ऐसे करंट को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन करंट ओके रीजन की मैं बात करूं तो डिप्लीशन रीजन की साइज बहुत छोटी फील्ड बहुत हाई है ना साइज छोटी यहां पर क्या हो रहा है जस्ट एक मिनट इसमें साइज बहुत छोटी हो जाती है और हमारे पास क्या ज्यादा हो जाता है जैसे ये डिप्लीशन रीजन की बात करूं तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ डिप्लीशन रीजन में और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होता है इलेक्ट्रॉन दौड़ के, के पास चले जाता है और होल्स चले जाते हैं साइज बहुत छोटा और फील्ड बहुत बहुत बड़ा तो बॉन्ड जैसे भेगे यहाँ ड्रिफ्ट हुए दौड़ के ड्रिफ्ट करा ड्रिफ्ट करा ड्रिफ्ट करना मतलब दूर हो जाना एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दूर होते हैं इस बहुत बड़े इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से क्योंकि वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं इसलिए इस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे दिस करंट इज कॉल्ड एज द ड्रिफ्ट करंट राइट नाउ एवरीबॉडी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इज द ड्रिफ्ट करंट एंड व्हाट इज द डिफ्यूजन करंट डिफ्यूजन करंट कंसंट्रेशन की कमी ज्यादा एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्ड का डिफ्यूजन की वजह से बनता है और ड्रिफ्ट करंट जो बनता है जो बॉन्ड्स टूटेंगे कहां टूटेंगे डिप्लीशन रीजन के अंदर तो डिप्लीशन रीजन में टूटे हुए इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हाँ जिस डायरेक्शन पे भागेंगे तो उस डायरेक्शन पर आपके पास ड्रिफ्ट करंट मिलेगा ठीक है अच्छा अब आ जाइए यहां पर हमारे पास में डिफ्यूजन करंट इट इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस ड्यू टू डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन द डिफ्यूजन करंट नाउ होल्स विल गो टुवर्ड्स एन साइड इलेक्ट्रॉन्स विल गो टुवर्ड्स द पी साइड इसको और अच्छे से आप लिख सकते होल्स कहां जा रहे आपके पास ये पीएन जंक्शन डायोड बना लो एस एन जंक्शन डायोड्स में आपने एक पी साइड बना लो और ये एन साइड बना लो आपने देखा रेड रेड कलर्स का रेड रेड कलर का आपके पास है होल्स ग्रीन ग्रीन कलर का आपके पास है दट इज द इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूजन के दौरान क्या होगा होल्स जाएगा एन साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स जाएगा साइड राइट right? तो ये दोनों जब जाएंगे तो दिस इनिशियली क्या होगा इनिशियली डिफ्यूजन करंट इज मोर धीरे 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 डिफ्यूजन करंट डिक्रीज होता चला जाएगा you know? देन डिक्रीजेस ओके हु इज गोइंग टू आंसर माय क्वेश्चन कि भाई ये डिफ्यूजन होने से थोड़े समय के बाद ये कम होगा ये कौन बताएगा मुझे डिफ्यूजन करंट समय के साथ-साथ पीएन जंक्शन बनने के बाद डिफ्यूजन करंट कम होगा क्यों कम होगा चलो बताओ जल्दी मैम जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा तो फिर और मूवमेंट ऑफ होगा नहीं डिफ्यूजन बंद हो जाएगा नहीं मैंने वो सवाल ही नहीं किया देव समय के साथ साथ पहले तो diffusion करन जाता था कम क्यों हुआ कम क्यों हुआ वो सवाल का जवाब दो बेटा मैम पहले पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा था फिर धीरे धीरे कम हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कम नहीं हो रहा है वह क्या हो रहा है कि होल्स आकर के यहां जमा हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आके जा रहे हैं तो डिफ्यूज होना उसको कम करवा रहे हैं ये जो जमा होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं वो डिफ्यूजन करंट को कम करेंगे ठीक है दिस इज बिकॉज ऑफ क्यों बिकॉज ऑफ जो बैरियर डिपोजिशन ऑफ होल्स ऑन एंड साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑन द पी साइड यहां पर पी साइड पर आप देखोगे ये मैंने बताया आपको ना क्या बताया था होल्स आकर के यहां बैठने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आकर के कहा बैठने लगता है यहां पर आकर के बैठने लगता है आगे और आने वाले लोगों को मना कर देता है इसीलिए डिफ्यूजन करंट पहले ज्यादा रहेगा उसके बाद वो धीरे 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 की स्थिति पैदा होते होते वो कम हो जाएगा अब ड्रिफ्ट करंट की बात करो तो ड्रिफ्ट करंट पैदा होता है तो आप इसका जवाब दो पहले वेर तो इन डिप्लीशन इन द डिप्लीशन रीजन अभी मत बोलो इन द प्लेस नियर द जंक्शन तो जंक्शन के पास जाके जमा हो जाता है जस्ट मिनट बेटा ड्रिफ्ट करंट कहा मिलेगा तो इन द प्लेस नियर द जंक्शन नाउ अपन बोलेंगे क्यू वाई बॉन्ड्स ब्रेक बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी दैट इज रूम टेम्परेचर पे जब आ जाएगा तो तब ब्रेक होगा ना वॉट अगला सवाल what यू गेट क्या मिला भैया बोलिए क्या मिला उसमें से एक वन बॉन्ड ब्रेक हुआ एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो आपको मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन और एक होल क्या मिला बच्चा एक इलेक्ट्रॉन एंड एक होल आपको मिलेगा तो उसके बाद क्या होगा इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा ये मैंने आपको पहले भी बताया था इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा तो बोले इसको आपको पी साइड में चला जाएगा और ये दूसरा दूसरे साइड पे चला जाएगा और यही कॉन्स्टिट्यूट करेगा दिस ड्रिफ्टिंग होता है और ड्रिफ्टिंग की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है तो हम लोग बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज द ड्रिफ्ट करंट पैदा होता है इज दिस क्लियर ड्रिफ्ट करंट क्या होता है यहां तक का क्लियर है ओके नाउ बी कम टू द नेक्स्ट वाला दैट इज कॉल्ड एज द डिप्लीशन रीजन इस डिप्लीशन रीजन यही जो जंक्शन जहां पर ड्रिफ्ट करेंट प्रोड्यूस हो रहा था ना उस रीजन को हम डिप्लीशन रीजन बोलते हैं बिकॉज दे इज नो चार्ज एट ऑल डिप्लीट हो गया डिवाइड हो गया चार्ज से डिवाइड हो गया चार्ज से इसीलिए इस रीजन को हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज द डिप्लीशन रीजन राइट सो नाउ वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर राइट